अभी हम लोग इमोजी से जॉब के नाम गेस करेंगे, तो फटाफट से ये पहला इमोजी देखो और मुझे जॉब का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये बहुत इजी है, तो फटाफट से तुम लोगों को नीचे कमेंट में बताना है, तो जल्दी बताओ। इसका आंसर तो तुम लोगों ने कमेंट में बता ही दिया होगा। ये तो बहुत मजेदार था। ये है पूल, ये आइस और ये मैन, तो मिला देने पे प्रोनाउंस करेगा पुलिस मैन। क्या बता दिया था ये तुम लोगों ने, तो फटाफट से खुद के लिए एक बार लाइक दबा दो। आगे तो इससे भी ज्यादा मजेदार आने वाली है, तो अभी फटाफट से ये वाले जॉब का नाम बता दो। ये भी मुझे पता है काफी इजी है तुम लोगों के लिए, इसलिए जल्दी से कमेंट करके सबको बता दो। आई होप ये तो बता ही दिया होगा। ये है टी और ये चेयर, तो मिला देने पे बन जाएगा टीचर। ये तीन है, ये बहुत इजी। तो चलो अभी ये नेक्स्ट वाले का आंसर बता दो। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ। ये डॉक्टरी के अंदर में एक जॉब आती है, बस मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दूंगा। तो अब जल्दी से दिमाग तोड़ा और फटाफट से नीचे कमिट कर दो। यह सौ आर जीनी, अगर मिला देंगे तो ये देखो सॉर्ड जीन सर्जन प्रोनाउंस करेगा ये। हाँ थोड़ा सा टफ था, लेकिन मेरे हिंट के मत तुम लोग को इजी लग ही गया होगा। यस, तो अभी ये वाला बता दो। ये तो तुम लोग बहुत इजीली बता दोगे, क्योंकि मैं भी काइंड ऑफ ये ही हूँ। हाँ तो अब तुम लोग शायद बता ही दोगे, तो फटाफट से नीचे कमेंट करो। यह इंजन और ये ईयर, तो बन गया इंजीनियर। आधे से ज्यादा यूट्यूबर से इंजीनियर किया है। यस तो चलो अभी ये वाला फटाफट से बता दो। ये भी तुम लोगों के लिए इजी ही रहेगी। चलो मैं ये फर्स्ट वाला बता देता हूँ। ये हवा है, अब इसको कुछ और लैंग्वेज में प्रोनाउंस करो और फटाफट से इस वाले का जॉब मुझे नीचे कमेंट में बता दो। यह है एयर हाउस टी एस, तो एक साथ प्रोनाउंस करने पे बन जाएगा एयर होस्टेस। क्यों सही है ना, मुझे पता है तुम लोगों ने बता दिया था। तो चलो अभी इमोजी से ये वाले जॉब का नाम बता दो। ये भी थोड़ी सी टफ रहेगी, इसलिए दिमाग पर जोर लगाओ, अच्छे से कमेंट करो। आई होप तुम लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। ये है जार, ये जीरो जिसे नील भी कहते हैं और ये एक लिस्ट है, तो मिला देने पे बन जाएगा जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट जानते हो ना तुम लोग। यस, तो चलो अभी ये वाली का भी जॉब तुम लोग नीचे कमेंट में मुझे बता दो। तो फटाफट से आंसर नीचे कमेंट करो। ये है प्लम जो कि एक फ्रूट है और ये है बार, तो मिला देने पे प्रोनाउंस करेगा प्लम्बर। ये तो तुम लोगों ने बता ही दिया होगा, मुझे अच्छे से पता है। तो फिर चलो अभी ये वाला भी बता दूं। ये तो भाई बचपन से सबका सपना होता है बनने का, और एक हिंट और मैं दे देता हूँ कि ये जॉब ए से शुरू होता है। हाँ तो अब तुम लोग समझ गए होगे, तो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट में बता दो। क्या हिंट के बाद भी अभी तक नहीं बता पाए? आई गेस इतना टफ तो नहीं था ये। ये है आइस रो नट, तो अच्छे से प्रोनाउंस करने पे बन जाएगा एस्ट्रोनट। क्यों, बचपन से सपना था ना तुम लोग का भी? मेरा भी था यार। तो चलो अभी ये वाला तुम लोग जॉब फटाफट से नीचे कमेंट में बता दो। ये तो बहुत ही इजी है, तो जल्दी से तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बता दो। Thank you.
ये है सिंग वाला इमोजी और ये आर, तो ऑब्वियसली बन जाएगा सिंगर। किस किस का सिंगर बनने का सपना है यार, मुझे जरूर से नीचे कमेंट में बताना। चलो अभी ये लास्ट वाला जॉब का नाम तुम लोग मुझे नीचे कमेंट में बता दो, ये तो बहुत ज्यादा डिबेट करता है, तो अब तुम लोग समझ ही गए होगे, इसलिए जल्दी से कमेंट करो। ये भी आई गेस तुम लोगों ने कर ही दिया होगा, ये है लॉ और ये ईयर, तो बन गया लॉयर। ये तो तुम लोग फर्स्ट वाला इमोजी देख के पहले ही समझ गए होगे। तो मजा आया तो फटाफट से लाइक कर दो। चलो अभी अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, इनमें 5 डिफरेंसेस है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो डिफरेंसेस क्या क्या है। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर है, सेकेंड वाला इधर, थर्ड वाला यहाँ पे, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ वाला यहाँ पे। आपने कितने बताए थे? अभी अगली पहेली सॉल्व कीजिए। मंडे का दिन था, डिटेक्टिव आकाश अपने ऑफिस आते हैं तो देखते हैं कि टेबल पे एक रिपोर्ट पड़ा है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि एक दिन पहले एक औरत का मर्डर हो गया है। डिटेक्टिव उस केस की तहकीकात करते हैं तो उन्हें मर्डर के 3 सस्पेक्ट्स मिलते हैं, रियाज, फैजल और मंजू। डिटेक्टिव उनसे पूछते हैं कि तुम लोग मर्डर के वक्त कहाँ थे। रियाज कहता है, मैं तो कॉलेज लेक्चर अटेंड करने गया हुआ था। फैजल कहता है, मैं अपनी बेटी के साथ पार्क में गया हुआ था। और मंजू कहती है, मैं अपने दोस्त के साथ मॉल गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। डिटेक्टिव जब उनकी बात सुनते हैं और अच्छे से उन्हें देखते हैं तो समझ जाते हैं कि खून किसने किया है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि खून किसने किया? अपना आंसर कमेंट करिए। खून रियाज ने किया है, क्योंकि उस नोट में लिखा था कि खून एक दिन पहले हुआ है, यानी संडे को, और संडे को कॉलेज बंद रहता है, यानी वही खूनी है। अभी अगली पहेली, वो क्या है जो पक्षी नहीं है फिर भी आसमान में उड़ता है, नदी नहीं है फिर भी पानी से भरा रहता है, तो क्या आप बता सकते हैं क्या है ये? अपना आंसर कमेंट करिए। आंसर है बादल। अगली पर और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इन बाकी वीडियोस को भी देखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।